So guys, we finally reached the Dudh Sagar. गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल येट टू बी डिसाइडेड। आज का वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू दूधसागर फॉल्स। येस फाइनली द दूधसागर फॉल्स आर ओपन राइट नाउ। सो अभी जीप सफारी इन लोगों ने रिसेंटली ओपन की है, मानसून ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको आज के वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आपको कैसे जाना है, कहाँ पहुँचना है। अगर आप खुद से जा रहे हो तो एजेंट के थ्रू जाओगे तो दे विल अरेंज यू कैब्स एंड बस। सो अगर आपको खुद से जाना है तो आपको कैसे जाना है, मैं अभी फ़िलहाल साउथ गोवा में हूँ, साउथ गोवा से कैसे जाना है, एंड अगर आप नॉर्थ गोवा में हो तो आप कैसे जा सकते हो। अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, गूगल मैप्स पे जस्ट टाइप करना है दूधसागर वाटरफॉल टिकट काउंटर। आप वहाँ गूगल मैप से सीधा वहाँ पहुँचिए। आपका जर्नी बहुत ज़्यादा होगा बिकॉज अगर नॉर्थ से है तो किलोमीटर्स विल बी अराउंड 67 to 70 किलोमीटर्स। अगर आप साउथ से हो तो इट विल बी अराउंड 40 किलोमीटर्स। हम यहाँ से कोल्लम जाएंगे, कोल्लम से हम लोग टिकट्स लेंगे एंड वहाँ से जीप सफारी करके दूधसागर फॉल्स तक पहुँचेंगे। तो आज की वीडियो में आपको ये सारी डिटेल्स मैं देने वाला हूँ, प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में बने रहें एंड तक। चलो फिर मिलते हैं आपसे कोल्लम में। फाइनली अब कोल्लम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। अभी हम टिकट लेंगे, टिकट काउंटर पे जाएंगे और टिकट लेंगे। तो देखो आप, ये सब गाड़ियां हैं, आपको इन्हीं गाड़ियों में जाना पड़ता है। आप अपनी पर्सनल व्हीकल से नहीं जा सकते, आपको या तो ट्रैक करना पड़ेगा या आपको इन व्हीकल से जाना पड़ेगा। अभी देख रहे हैं वही यहाँ पर टिकट काउंटर कहाँ है। ये टिकट काउंटर है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा लाइट है, काफ़ी लंबी लाइन है। मैं बैठू? मैं आगे बैठू? सो गाइस, बड़ी मुश्किल से बड़ी देर वेट करने के बाद हमें टिकट्स मिल गई है। एक अपडेट आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे कार्ड या गूगल पे ये सब नहीं चलेगा, आपको कैश ही लाना पड़ेगा। अब हमारी जीप रेडी है, ये रही। अब हम जाने वाले हैं जीप सफारी पे और अराउंड यहाँ से 11 किलोमीटर है। मैं आपको कुछ चार्जेस के बारे में बता देता हूँ कि जीप सफारी का जो चार्ज है दैट इज़ 700 बिकॉज एक जीप का प्राइस इज़ 3500। तो पहले क्या होता था, पहले 7 लोग जाते थे तो पर हेड अराउंड 500 आता था। बट अभी कैसा है कि कोरोना के बाद ये लोगों ने पर जीप 5 ही लोग अलाउ कर रखे हैं। तो 35/5 होता है एंड इट कम्स अराउंड 700 रुपीज़। तो एक जीप का वो 700 है, प्लस आपको एक लाइफ जैकेट कंपलसरी होगा, दैट विल बी 40 रुपीज़ जो आपको लेना पड़ेगा, कंपलसरी, दैट इज़ कंपलसरी। तो आपको 40 रुपीज़ का लाइफ जैकेट भी लेना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट शायद एंट्री होने के बाद आपको
एक 100 रुपीज़ का फॉरेस्ट एरिया के अंदर एंटर करने का भी 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो द टोटल कॉस्ट विल कम अराउंड 840 रुपीज़ आपका जीप सफारी का आने जाने का। तो अराउंड यहाँ से हमें अभी 1.5 घंटा लगने वाला है वहाँ जाने के लिए, एंड उसके बाद 1.5 घंटा या अराउंड 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में लगेगा। एंड आपको सिर्फ 1.5 घंटा मिलता है पानी के अंदर इंजॉय करने का। अगर उससे ज़्यादा आपको रुकना है तो आपको अपने ड्राइवर से बात करनी पड़ेगी, ही विल डेफिनेटली चार्ज यू मोर फॉर दैट। तो 1.5 घंटा आई गेस दैट विल बी सफिशियंट कि आप उधर जाओ और उसके बाद इंजॉय कर लो, 1.5 घंटे में सब हो जाता है। और हाँ, जीप भी एक लिमिटेड पॉइंट तक जाती है, जीप एक्स्ट्रा नहीं जाती है, जीप एक पॉइंट तक जाएगी, उसके बाद आपको 1.5 किलोमीटर शायद चल के ही जाना पड़ेगा। एंड वो पत्थरों का रास्ता है एंड पानी के बीच से जाना पड़ेगा। तो गाइस चलो फिर मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, देन वी विल मीट एट द वॉटरफॉल। आपको यहाँ से 100 रुपीज़ की टिकट लेनी पड़ेगी, ये फॉरेस्ट चार्जेस है। यहाँ से फिर आपको गाड़ी नॉन स्टॉप जाएगी, यहाँ तक आपको थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, लाइक रुक रुक के जाना है, बिकॉज हर गाड़ी के हर मेंबर को यहाँ से टिकट लेना है। 100 रुपीज़ का टिकट है। आपको अगर कैमरा लेके जाना है, जैसे मैं GoPro लेके जा रहा हूँ, तो मेरे को 200 की टिकट एक्स्ट्रा लेनी पड़ रही है कैमरे के लिए। अगर आप DSLR लेके आ रहे हो, जैसे लाइक फॉर फोटोज एंड ऑल, यू हैव टू गिव ओनली 50 रुपीज़। गाइस दूधसागर फॉल, सो गाइस दिस इज अ स्पॉट जहाँ पे आपकी जीप यहीं तक आएगी बस, देन यू नीड टू वॉक अराउंड लाइक 1 किलोमीटर फॉल तक। फुटवेयर ऑलवेज ट्राई टू वेयर ट्रैकिंग शूज प्लीज, या स्पोर्ट्स शूज विल डू। Guys, that was something amazing, man. वो बहुत मजा आ रहा है जाने में, है ना? हाँ, मजा आ रहा है ना? Like the only thing is कि वो सिर्फ बोले 1.5 घंटे में वापस भी आओ, अभी तो चल के जाओ, फिर कब नहाएंगे और कब वापस आएंगे? But guys, ठीक है, 1.5 घंटा भी बहुत होता है, जैसे मैंने आपको बताया। वो आप एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे थोड़ा बहुत। आप अगर थोड़ा रुकोगे तो 1 घंटे का वो 300 रुपये आपको चार्ज करते पर गाड़ी, तो इतना ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है। तो लेट्स गो, ईगरली वेटिंग फॉर दी वॉटरफॉल। सो गाइस वी फाइनली रीच द दूधसागर। यो, आई होप यू कैन सी दिस फ्रॉम द टॉप डाउन। Going down.
सो गाइस ये था आज का वीडियो दूध सागर के ऊपर। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, प्लीज़ आप लोग भी आके इन्जॉय कीजिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती जाएं। आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं गोवा सीरीज़ के, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड बाय।